तो ये है आज का हमारा मेन्यू। जल गया क्या? ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना सब कुछ मैगी से बना दूंगी। सही हो? घोटाला है कुछ इसके साथ? सिर्फ मैगी खाने वाली हूँ। इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो चलो अभी शुरू करते हैं। ओके, अभी बज रहे हैं 9:30 और सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने एक रेसिपी सोची है जो मैं जनरली मटर के साथ बनाती हूँ। इट इज़ लाइक रवा में फिलिंग करके बनाते हैं। तो ये है आज का हमारा मेन्यू। दो पैकेट आटा मैगी है और दो पैकेट सादा मैगी है, बिकॉज थोड़ा तो हेल्दी कर सकते हैं यार। और इसके लिए मैंने ये रवा भिगो के रख दिया था, तो इसमें मैंने थोड़ा दही डाला है और पानी डाला है। जैसे आप रवा इडली के लिए करते रहोगे सेम टू सेम वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। रवा फूल जाएगा फिर उसका करेंगे, अभी दिखाते हो। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। खिड़की भी नहीं खोल सकते, नहीं तो बाहर की आवाजें आती है। अभी ना मैं इसको फ्लिप करने वाली हूँ। ओके, जल गया क्या? नहीं प्लीज, ऐसे नहीं होना चाहिए। Did you see? Did you see? Okay, let me show you. बहुत गर्म है यार, फाइनली आई एम गोइंग टू ईट। चलो मैं बताती हूँ कैसा बना है, होपफुली अच्छा बना होगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा स्पाइसी और कर सकते हैं, थोड़ा स्पाइसी किया तो थोड़ा बेटर हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। और हाँ, आज मैंने येलो पहना है और मैं सब कुछ येलो यूज़ करने वाली हूँ कि हमारी मैगी येलो होती है। मैंगो चैलेंज में मैं येलो यूज़ करना भूल गई थी, पर आज मैं करने वाली हूँ पक्के से। और लंच में एक बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, बताती हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं, चलो बाय। ओके, ब्रेकफास्ट के बाद अभी टाइम है लंच का, बच चुके हैं 2 और बनाएंगे कुछ बहुत मज़ेदार चीज़, और इसके लिए मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं डिनर के लिए भी उतनी एक्साइटेड हूँ और मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी उतनी एक्साइटेड थी, सॉरी। सो अभी जो हम लंच के लिए बनाने वाले हैं वो एक इटालियन डिश है और हम सब की फेवरेट है। कैन यू गेस? आई थिंक यू हैव गेस। हम बनाने वाले हैं मैगी पिज्जा। नो गॉड प्लीज नो नो। सो मैं पिज्जा बेस के साथ नहीं बनाने वाली हूँ, मैगी का ही बेस बनाने वाली हूँ और देखते हैं कि कैसा बनता है। ये देखो, किचन में आते ही पसीना आने लगा, ओह गॉड। एनीवेज, तो ये चैलेंज के लिए हम ये नॉर्मल मैगी यूज करने वाले हैं, आटा मैगी यूज नहीं करने वाले जो हमने सुबह की रेसिपी में किया था। और हाँ, इधर मैं बताने भूल गई, मेरे साथ साथ ये चैलेंज प्रणव भी कर रहा है क्योंकि मैं उसको वैसे भी कुछ और बना के नहीं दूंगी तो बेचारे को यही खाना पड़ेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 पैकेट बॉइल करने के लिए डाल देती हूँ। तो ये वाली मैगी ना तो मैंने ऐसी डाली है, तोड़ ओड़ के नहीं डाली है, लंबी लंबी मैगी चाहिए मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैगी पहले से छोटी हो गई है क्या साइज में? मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैगी का साइज ना ज्यादा बड़ा होता था, मतलब इतना नहीं इतना बड़ा होता था, अभी वो इतनी इतनी सी मैगी क्यों आती है? घोटाला है कुछ इसके साथ? कुछ और ही चक्कर है। ये होना तो चाहिए था पूरा टर्न, बट आधा टर्न हुआ है, तो ये एक्चुअली ये टॉप होना चाहिए था और इसको पलट के वापस से कढ़ाई में डालना है।
अब इसको मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, क्या होता है ऐसे कैसे हो गया ये? ठीक से जा, ठीक से जा, ठीक से जा। हो गया, कुछ तो चला गया। जब ऑटोमेटिक काम नहीं हो तो मैन्युअली करना पड़ता है। ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? Oh my God! I'm so happy! Okay. बहुत गर्म है यार। कैसा है? तुम बताओ। अभी जब बन रहा था तो ही वाज सेइंग कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। टाटा सी यू। कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी, हम थोड़े भुखमंगों जैसे खा रहे हैं, बिकॉज इट्स रियली यमी, और वो ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, अभी पीस भी ना उठाने पे अगर प्रॉपर कट किया ना तो एकदम परफेक्ट आ रहा है हाथ में, और वो चीज एक स्लाइस पे मतलब एक पीस पे एक स्लाइस चीज है तो इट्स यम्मी। खून पसीने की कमाई है, बहुत गर्मी है अंदर। चलो अभी हम जा रहे हैं खाने और आपको मिलते हैं डिनर पे, बाय। सो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं सोच रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन कर ही डालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ डिनर के लिए। सो डिनर में मैं मैगी के साथ कुछ ऐसी क्विजीन बनाने वाली हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। सो अगर आपने कभी मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। हाँ, बट मैं केवल चाइनीज़ नूडल्स की तरह मैगी नहीं बनाने वाली हूँ, मैं मैगी के डम्पलिंग्स यानी कि मंचूरियन भी बनाने वाली हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है कि मैं खाना पका रही हूँ और गर्मी मुझे पका रही है। एनीवेज, तो नूडल्स हो गए हैं, अभी मैं इसको ढकूंगी नहीं बिकॉज ये बहुत सॉगी हो जाएंगे। इसको मैं साइड पर रखती हूँ और अभी मंचूरियन की तैयारी करते हैं। एंड थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, तो मंचूरियन की जो ग्रेवी है ना वो मैं मंचूरियन ग्रेवी नहीं, हॉट एंड सार ग्रेवी में वो मैगी डम्पलिंग्स डालने वाली हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक नई रेसिपी डिवाइस हो गई है, मैगी डम्पलिंग्स इन हॉट एंड सार सॉस। खोल ले रेस्टोरेंट नहीं। इतना सब कुछ मैगी से बना दूंगी, बट काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इफ यू कैन सी, सब कुछ रेडी है लेकिन गर्म बहुत हुआ है, ऐसे मैं 4-5 बार कह चुकी हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा नहा के आती हूँ और आई फ्रेशन अप एंड देन आई ईट, तभी उसको खाने का असली मजा है। ओके, आज का ये लास्ट मील होने वाला है, लेट मी सी ये कैसे हुए। नूडल्स अच्छे है एक्चुअली, गर्मा गर्म खाए तो मैगी फील नहीं हो रही है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मैगी जैसे फील होंगे। लेट मी सी ये ग्रेवी कैसी है, हमारी हॉट एंड सार ग्रेवी। नॉट बैड, ग्रेवी तो अच्छी है, बट ये मैगी मैगी बहुत ज़्यादा मैगी मैगी हो रहा है, मतलब बॉल्स की वजह से। ऑब्वियसली इतना मैगी खाएंगे तो लगेगा ही, बट दिस हमारी रेसिपी ऑफ मैगी डम्पलिंग्स इन हॉट एंड सार सॉस, आप रोटी के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा।
सो गाइस ये थोड़ा अनहेल्दी चैलेंज हो गया है. नेक्स्ट टाइम जो है अपन हेल्दी चैलेंज करेंगे. और अगर आपको वो चैलेंज देखना है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में तो प्रेस द लाइक बटन, इट मोटिवेट्स मी. अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय.